मैं सुरेंद्र नाम है, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। नहीं हाँ, तो क्या यहाँ बाहर से प्रॉपर्टी खरीदने वाले आ रहे हैं लोग? हाँ, जब से KGP और जो ये लिंक रोड बना है तो बाहर के लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर ज़्यादा है। और यहाँ क्या कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है भी कुछ? फैक्ट्री, एक दो फैक्ट्री लगी हैं, फैक्ट्री तो बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। मूल काम अभी खेती बाड़ी? हाँ, मेन खेती बाड़ी है, बाकी एक दो कंपनी है जैसे गेल इंडिया करीब 40 एकड़ में है, वो जो गैस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और एक स्टार वायर इंडिया जो काफ़ी जो है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी 40-50 एकड़ ज़मीन में है, वो स्टार वायर इंडिया, तो इसमें काफ़ी जो है आसपास के युवाओं को रोज़गार मिला हुआ है। और ये अटल जी वाला हॉस्पिटल भी? हॉस्पिटल भी है, वो 600 में ही है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल? हाँ, पहले गोल्डफील्ड के नाम से था, वो टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है हरियाणा की सरकार इस बार या हरियाणा के लोगों का मन मिजाज? मन मिजाज वैसे अब मुझे कुछ BJP फेवर अब लग रहा है, खट्टर डिलीवर नहीं कर पाए, हालांकि ईमानदार आदमी थे, बहुत ईमानदार, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए लोगों को। अब वही बात है, आज कह रहे थे लोग कि 15,000 वैकेंसी अभी, अरे 50,000 वैकेंसी वो लोगों को, ये जो नए CM है 50,000 वैकेंसी देंगे, नो खर्ची नो पर्ची, क्योंकि कोई खर्ची पर्ची नहीं होगी। लोगों को विश्वास ऐसा हो गया तो BJP फेवर में काफ़ी स्थिति बढ़िया बनेगी। हाँ, एक बात है, हरियाणा में जो युवाओं की रोजगार का मामला था वो खट्टर सरकार में रोजगार जो छात्र थे वह यहाँ भी वो पेपर लीकेज, वो वैकेंसी का ना आना, वो तो 9.5 साल की सरकार में युवाओं को रोजगार के मसले पर ये सरकार खट्टर साहब की कैसी रही? फेल के पास फेल रही, फेल रही युवाओं के ऊपर तो बिल्कुल फेल रही। युवा बेरोजगार इतना घूम रहा है, जिसके सैनी साहब आए तो कह रहे हैं 6 महीना में 50,000 भर देंगे। अगर कुछ करेंगे तो विश्वास बनेगा, और नहीं करेंगे तो ये तो देख ही रहे हैं कि भाई इनका क्या वो चल रहा है, ये तो देख ही रहे हैं। जितनी उम्मीद से इनको दो बार 10 साल की योजना करवाई है, भाई वोट ही तो दिए जनता ने, जनता को क्या मिला? बेरोजगारी बढ़ा दी। ये लोग बैठे कह रहे हैं कि BJP कच्चा नहीं, BJP बुरी नहीं है, ना बुरी बता रहे, लेकिन काम करेगी BJP जब ही तो है, कुछ करके तो दिखाए। BJP बुरी नहीं बता रहे। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? लड़ाई तो जो लोकसभा के हिसाब से तो बड़ी टक्कर की लग रही। देखो टक्कर की तो अगर जैसे सैनी साहब कह रहे हैं कि भाई मैं 50,000 वैकेंसी निकालूंगा, अगर निकाल देते हैं और भर्तियां शुरू हो जाती हैं तो निश्चित तौर से BJP को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अरे 7वां महीना चल रहा, 10वें महीने में तो चुनाव है। देखो जी, फिर क्यों कह रहे हैं ऐसी बात ही, क्यों निकाल के दे रहे हैं? फिर कहेंगे हमारी सरकार बनाओ फिर निकालेंगे। तो 10 साल क्या किया है? ऐसा नहीं, भोरे जरूर हैं जनता, भाई गांवों की जनता भोरी जरूर है, लेकिन इतनी नहीं कि बनाते रहे हो। दो बार तो बना दिया दो बार तो बना ही दिया है जी। अरे ये दीपेंद्र हुड्डा कुछ बोलोगे आप? मैंने बोला मैंने परे बुलवाले भाई साहब ने। तो आपको बोलने में क्या दिक्कत आ रही? मैं बोलूँ परे बुलवाले भाई साहब ने परे बोलो। ये दीपेंद्र हुड्डा आज से यात्रा लेके निकले हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, उसका कोई मतलब? यार तो कोई खास फर्क इनका नहीं पड़ेगा ज़्यादा तो। अच्छा, ये आपका गांव किन लोगों का है? राजपूतों का गाँव, राजपूतों का, फरीदाबाद जिले का सबसे बड़ा गाँव है हमारा। अच्छा, ये राजपूतों का गाँव? हाँ जी। आप सब राजपूत हैं भी? राजपूत सर, राजपूतों का सबसे बड़ा गाँव है फरीदाबाद। फरीदाबाद, मैं तो फरीदाबाद शहर में इसलिए नहीं गया, वो तो बड़ा शहर है और औद्योगिक शहर है, मैं तो गांव-गांव जाता हूं। तो राजपूत तो ज़्यादातर हरियाणा के BJP की तरफ है। ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, BJP फेवर में पहले भी रहे हैं और आगे भी, लेकिन अगर ये अपनी वैकेंसी 50,000 पूरी कर जाते हैं मान लिया तो ये BJP के जान पड़ जाएगी, अच्छा पड़ जाएगा, नहीं तो फिर तो उससे खतरे में बात रहेगी। युवाओं के लिए खासकर, युवा भी जो ना उम्मीद लगाए, निराश है युवा। मुझे बहुत जिलों के जो छात्र हैं
वो सोशल मीडिया पर मैसेज करते रहते हैं कि आप मेरे ज़िले आए, मेरे ज़िले आए, आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं, छात्रों का मुद्दा उठाएं। तो ये मैं देख ही रहा हूँ और सबको पता ही है कि हरियाणा में कितनी नौकरियाँ आईं, आधी तो कोर्ट में फंस गई, आधी के पर्चे और तमाम चीज़ें होती। तो ये एक बहुत युवा वर्ग है, बेरोजगार है, निचुल बात है, बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि उन्होंने कहा था कि पर्ची खर्ची वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन भर्ती करा ही नहीं पाई, कोर्ट में फंस गई। या एक बात मुझे बताइए, मैं अब ये हरियाणा में 5 सीटें जो मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ तब भी हार गई बीजेपी, इसकी वजह क्या थी? लोगों का ये जो बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा काम हुआ, ये वो संविधान वाला ज़्यादा चला ना, ये भी बात थी। फिर उधर कास्ट फैक्टर भी है, वो जाटों का फैक्टर भी है। हाँ, यहाँ पे मुख्यमंत्री पंजाबी समुदाय से था, अब भी सैनी है, वो फैक्टर तो है, इसी वजह से ही वो यात्रा कर रहे हैं। उस वही फैक्टर है, कोई बात नहीं। अगर मोदी के फेवर में काफ़ी लोग आज भी उसकी मोदी के फेवर में हैं, अगर ये अपनी इस तरह की जन लोगों की काम करेंगे, जो नौकरियां हैं और काम करें, तो ये अभी भी टक्कर में है, ऐसी बात नहीं। चलिए ठीक है, अब एक इस गांव की खासियत और है छायसा गांव की, कि हरियाणा की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक गौशाला इस गांव में है। चलिए मैं थोड़ा उस गौशाला को दिखाता हूँ, फिर और लोगों से बात करूँगा। अब मैं छायसा